हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड टू रियली इंटरेस्टिंग बैलेंसेस नोन एज स्प्रिंग बैलेंस एंड बीम बैलेंस. तो क्या है यार ये स्प्रिंग बैलेंस, क्या चीज है ये बीम बैलेंस, क्या चीज है, आज हम पता करेंगे. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग, हाउ आर यू गाइज फीलिंग टूडे. Because I know that the class have been delayed quite a lot today. So, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? Because I started this stream a few minutes ago and it did not work. Yeah. Okay. Hi. Hi. Hello, Aditya Arya. Hi. How are you? How Menka Chaudhary? Hi. Nikita Gupta, Rithyana, Ganga Nagur. How are you? कैसे हो आप लोग? Very well, very well, very well. बहुत अच्छे. अमन श्रुति राउत, आई एम डूइंग ग्रेट. आप लोग कैसे हो? शिवराज, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम डूइंग रियली वेल. ओके, माय नेम इज निकिता गुप्ता. ओके निकिता गुप्ता, हाउ आर यू, आप कैसे हो? गुड इवनिंग टू यू ऑल. हाय हाय हाय, हेलो एवरीवन. हाय अनुपम, हाय सरिता, हाय मेनका, आई एम डूइंग वेरी वेल. मैं अच्छा हूँ यार, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. क्लास स्टार्ट करते हैं, आई डोंट वांट टू टेक अप मोर टाइम नाउ. सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस के बारे में, ठीक है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट टुडे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्रिंग बैलेंस एंड अ बीम बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस कब यूज होता है, बीम बैलेंस कब यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस किस चीज के लिए क्या मेजर करता है और बीम बैलेंस क्या मेजर करता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. So, you all know me. My name is Muhammad Al-Khalid. I am a graduate from IIT Guwahati. And here at An Academy, I teach you all science. Main aap sabko science padhata hoon. Not only on the YouTube platform, but on the An Academy Plus platform, as well as the special classes on An Academy. So, you can find me at all the places. Aap mere videos YouTube pe bhi dekh sakte ho, An Academy ka platform pe bhi dekh sakte ho, aur mera Plus subscription bhi le sakte ho. So, now, let us do a very small and quick recap of what we studied in the previous class. हमने पुराने वाले, पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? What did we study? We studied about mass and weight. So, are mass and weight same? क्या mass और weight same चीज है? Are they one and the same? Let me know. Comments में मुझे बताओ, are they same? Are mass and weight same or not? ठीक है? Please tell me what are they same or not? Yes, are they same? Comments में बताओ. Hi sir, hello. Menti होगा क्या? Yeah, there is going to be a mini menti. Mini menti होगा and आज का menti में fill in the blanks ज़्यादा रहेंगे. ठीक है? No sir, they are not same. Rithyana is saying they are same, but Aditya Jha is saying no, they are not same. तो यार same है कि नहीं है? बोलो बोलो. Are mass and the weight same है? या मास और वेट सेम ही चीज के दो अलग अलग नाम है? टेल मी ट्रू एंड फॉल्स. चलो ये ट्रू एंड फॉल्स से समझ लो आप. इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? आई वांट यू ऑल टू टाइप ईदर ट्रू और फॉल्स. हेलो सर, हाय हाय हाय. लैगिंग लैगिंग लैग मेरे पास से नहीं हो रहा है. नो सर, इट्स नॉट द सेम. निकिता सिंह, एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट्स नॉट सेम. ये दोनों सेम नहीं है. श्रद्धांजलि राउत, अभी नहीं होगा बेटा, आपसे नहीं होगा. ठीक है, कूल. Yep, Neerja, सही बोला यार. टुडे आई गॉट अ बिट लेट, बट दिस वोंट बी हैपनिंग रिपीटिंग अगेन. कूल. सो एवरीवन इज सेइंग फॉल्स फॉल्स फॉल्स. साक्षम नेगी, हाय. तो आप सबने फॉल्स बोला, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मास और वेट दो अलग अलग चीज है. व्हाट इज मास? व्हाट ऑन अर्थ इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन्स. इट बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, दैट इज वॉट डिटरमाइंस इट्स मास. वेयर एज वेट इज द फोर्स, द पुलिंग फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स पुल कर रही है, द फोर्स विच इज पुलिंग इट डाउन. वाई आर माई लाइन्स सो यू नो अनस्ट्रेट, नॉट सो स्ट्रेट? या लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. So, weight is the force. Weight क्या है? Weight एक force है जो earth अपने center की तरफ objects को खींचता है. That is what weight is. So, weight is nothing but a force. It's a downward force जो earth की तरफ जाता है. And
मास इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ एटम्स. तो ये तो सबको हमको क्लियर है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मास और वेट में जो सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि मास अलग अलग जगह पे चेंज नहीं होगा. ठीक है, इफ यू टेक अ मास फ्रॉम अर्थ टू मून, द मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. यस और नो, मास हमेशा के हमेशा मास इज गोइंग टू स्टे कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. अलग अलग जगह पे मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज मास इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, कितना मैटर है. तो इफ आई एम टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टू मून, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो द मास इज ऑल्सो ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है सर, याद आ गई हमारी. हाँ यार, कविता गोस्वामी बहुत याद आ गई, तो मैं क्लास लेने चला आ गया. ठीक है सर, आप छोटे हो जाओगे क्या थोड़े? ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊंगा, काफी बड़ा हो गया हूं आज. ठीक है, आई विल मेक माई सेल्फ अ लिटिल स्मॉलर. आई विल जस्ट पुल दिस लाइक ओके, बहुत छोटा हो गया. इतना ठीक है? इज दिस मच फाइन? आई थिंक दिस मच इज फाइन, ये इतना ठीक रहेगा. या इज दिस मच फाइन? इतना बराबर है ना साइज मेरा? यप ओके, सो इतना साइज बराबर है. वेरी वेल, How to join Menti? I will give you the link of the Menti. Don't worry, मैं आपको लिंक दूंगा Menti का. It's a mini Menti, by the way. Perfect. Yes, sir. ठीक है चलो. तो मास यार कहीं चेंज होने वाला नहीं है. मास जितना अर्थ पे है, मून पे भी मास उतना ही रहेगा, मार्स के ऊपर भी मास उतना ही रहेगा, वीनस के ऊपर भी मास उतना ही रहेगा. मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. वॉट चेंजेस विद डिफरेंट प्लेसेस इज The weight. अगर मैं किसी चीज का वेट अर्थ पे चेक करता हूं और किसी चीज का वेट मून पे चेक करता हूं, then definitely it's going to be different. Why? Because weight is nothing but the downward pull, right? कि कितना पुल कर रहा है. अर्थ पुल कर रहा है तो ठीक है, अर्थ इज पुलिंग, सो हाउ मच इज द अर्थ पुलिंग. मून पुल कर रहा है तो मून कितना पुल करेगा, तो अर्थ का पुल ज्यादा रहेगा, मून का पुल कम रहेगा, तो मून पे वेट भी कम हो जाएगा, अर्थ पे वेट ज्यादा रहेगा. सन पे जाओगे तो वेट बहुत बढ़ जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स विथ विच द प्लैनेट और द बिग थिंग विच इज एक्सर्टिंग ग्रेविटी, जो कितना फोर्स लगा रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट द वेट विल चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये भी सबको क्लियर है ना? यप सर, आई एम समीक्षा. ओके समीक्षा, हाउ आर यू सर? व्हेन विल यू टेक मेंटी? मेंटी आई विल टेक एट द एंड ऑफ द लेसन. लेसन जैसे ही एंड होने वाला रहेगा, मेंटी उसी टाइम पे लेंगे. ठीक है, एंड बाय द वे दूसरे लोग कहाँ है? वेर आर दी अदर पीपल? जस्ट कॉल योर फ्रेंड्स यार, एक टाइम बुला लो अपने फ्रेंड्स को कि यार सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, चल रही है क्लास, आई नीड मोर पीपल. यप कविता याद आ गई, बहुत टाइम याद आ गई, सारे स्टूडेंट्स की याद आ गई. ठीक है ना, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मास? मुझे बताओ कि मास के यूनिट्स कितने हैं. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द मास? आई वांट यू टू टेल मी द यूनिट्स ऑफ द मास सो दैट वी कैन मूव अहेड विद दिस. आज हमारा जो चैप्टर है, इट इज एक्चुअली अबाउट दीज प्रॉपर्टीज ओनली. यूनिट्स अगर आपको पता है तो यूनिट्स कैसे मेजर करोगे आप, उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है. सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मास? मास का यूनिट्स क्या है मुझे बता दो. आई वांट यू ऑल टू टेल मी द यूनिट्स ऑफ मास. वालेकुम अस्सलाम आफरीन. क्लास 8, यू कैन चेक द टाइम टेबल ऑन द क्लास 8 चैनल. क्लास 8 के चैनल जो है यूट्यूब पे, वहां पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मास? मुझे जल्दी बताओ थोड़ा सा. आप लोग का कमेंट काफी लेट आ रहा है मुझे, शायद मेरा वीडियो थोड़ा पीछे तो नहीं चल रहा कहीं. केजी केजी केजी, गंगा नागुर ने केजी बोला, आर्यन यादव ने भी बोला है, दिवांश ने भी केजी बोला है, अंकित सेवड़ा हाय हेलो. सो द यूनिट्स ऑफ मास आर
केजी, दीज आर दी एसआई यूनिट्स. और सीजीएस यूनिट्स क्या है कि सीजीएस यूनिट्स है ग्राम. ठीक है, एक सेकंड, इसको और अच्छे से देख लेते हैं. द यूनिट्स ऑफ मास आर किलोग्राम्स इन द एसआई यूनिट्स, और जो सीजीएस यूनिट्स है इसमें इसका यूनिट ग्राम है. तो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी मेजर मास. यूनिट्स पता है, मास क्या है पता है, लेकिन मेजर करें तो कैसे करें, मेजर कैसे करें मास को. बोलो, हाउ डू यू मेजर मास, बताओ. व्हाट डू यू पीपल थिंक के मास को हम मेजर कैसे करते हैं, टेल मी. आई एम गुड, जो भी पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एज वेल. सो टेल मी, मास को मेजर कैसे करना है, कैसे तोलना है किसी चीज का, मास कैसे पता करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का. किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडियाज है कि मास कैसे मेजर कर सकते हैं, बताओ 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 बताओ. हाय अंकित सेवड़ा, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑन दिस चैनल. ओके, वेल डन, वेलकम टू माय क्लास, आई एम मोहम्मद सर. ठीक है, ओके. संतोष कुमारी ने सही आंसर दिया है कि मास को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से. लेकिन जस्ट अ सेकेंड, बीम बैलेंस से ही मेजर नहीं करेंगे, मास को एक्चुअली हम मेजर करते हैं, वी कंपेयर मास यूजिंग वेट्स. ठीक है, ये आपने देखा है, हैव यू ऑल सीन दिस, ये क्या चीज है, कहां पे देखा है, मुझे बताओ ये सब आपने कहां पे देखा है. इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम वेट्स. ठीक है, इसको हम वेट्स बोलेंगे. HTS, स्पेलिंग बहुत गंदी है मेरी. ठीक है, वेट्स, वी कॉल देम वेट्स. ठीक है, तो ये कहां पे देखा है, वेयर हैव यू ऑल सीन दीज वेट्स, ये वेट्स आपने कहां पे देखे हैं, किसी शॉप में देखे हैं, किसी मॉल में देखे हैं, किसी मंडी में देखे हैं, किसी ठेले वाले के पास देखे, कहां पे देखे मुझे बताओ, वेयर हैव यू सीन. दुकान पे देखे सर, सब्जी मार्केट, वेजिटेबल शॉप, एट अ शॉप. ओके, यू हैव सीन दिस इन अ ग्रोसर शॉप, वेरी नाइस. यू हैव सीन इट ऑन अ, ओके, मंडी, नाइस, वेरी वेल. यू हैव इट एट योर होम, बहुत अच्छे यार, वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल सर, इन शॉप्स. Absolutely. So what do? We actually measure mass using these weights. तो हम measure नहीं करेंगे. If I have to find out the mass of the water in this glass, water and this glass, what will I do? I will get some weights. पहले से बने हुए मैं weights लूंगा. And by the way, these weights are different from the weight of the thing. ये English वाला weight है, ये physics वाला weights नहीं है. ठीक है, इसका नाम weight है. This is called a weight. ये एक weight है, ये एक weight है, ये एक weight है, ये एक weight है. लेकिन इनका मास पहले से डिफाइंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये 20 ग्राम का है. ठीक है, दिस इज 20 ग्राम. उसके ऊपर ऑलरेडी बड़ा सा लिखा होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस थिंग. तो ईच ऑफ देम विल हैव अ मास. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 250 ग्राम्स. ठीक है, 250 ग्राम्स का ये वेट है. उसके ऊपर लिखा होगा बिल्कुल के यार इसका वेट है 250 ग्राम्स. जोशना साहू के होम पे वेट्स है, वाओ, वेरी नाइस. तो मास क्या है, मास इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज देयर इन वन थिंग, राइट. सो व्हाट कैन वी डू इफ वी नो ऑलरेडी के एक चीज में इतना मैटर है, वी कैन कंपेयर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. सो लेट अस हैव अ लुक इन दैट, हम कैसे करेंगे. फॉर यूजिंग वेट्स, ये वेट्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे अब मास मेजर करने के लिए. चलो, ये वेट पता है हमें, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे वेट है, हर वेट का कितना मास है वो भी हमें ऑलरेडी पता है, किसी है ना साइंटिस्ट ने पता करके हमें बोला है. बट हाउ आर वी गोइंग टू यूज दोज वेट्स टू फाइंड आउट द मास, हमें मास कैसा पता चलेगा. दैट वी विल फाइंड आउट यूजिंग अ बैलेंस. क्या यूज करेंगे हम, वी विल यूज अ बैलेंस. देर मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस आपने जगह जगह देखे होंगे. देर विल बी अ बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस होता है, प्लेटफॉर्म बैलेंस होगा, डिजिटल बैलेंस होगा, वेइंग स्केल भी एक बैलेंस ही है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिजिटल बैलेंस. तो ये सारी चीजें मास मेजर करती है. लेकिन मेनली वॉट डू वी यूज इज, वी यूज अ बीम बैलेंस. ठीक है, हम क्या करेंगे, वी यूज अ बीम बैलेंस फॉर मेजरिंग. सर, इज देयर अ मेंटी टुडे? यस बेटा, देयर इज अ मेंटी टुडे, आज एक मेंटी होने वाला है. फाइन. हाय हर्षा गोस्वामी, हाउ आर यू.
सो यू हियर यू कैन सी यहाँ पे क्या है, दिस इज अ फिजिकल बैलेंस, ठीक है, ये एक फिजिकल बैलेंस है और ये एक डिजिटल बैलेंस है. सो लेट अस हैव अ लुक एट बीम बैलेंस. बीम बैलेंस क्या होता है? एक्चुअली बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस आर वेरी वेरी सेम. द ओनली डिफरेंस वुड बी दैट बीम बैलेंस विल नॉट हैव दिस बीच वाला पार्ट, ठीक है. बीम बैलेंस में ये इतना बड़ा वाला पार्ट नहीं होगा एंड देर विल बी अ स्केल ओवर हियर, यहाँ पे एक स्केल लगा होगा, ठीक है. सो हाउ डू वी मेजर थिंग्स यूजिंग अ बैलेंस, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस यूज करके हम कैसे मेजर करेंगे? सो व्हाट डू वी डू इज वी विल टेक अ वेट और लेफ्ट साइड में हम रख देंगे अपना एक वेट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेट आएगा और वो वेट है 1 kg का, ठीक है, 1 kg उसके ऊपर लिखा होगा. वी विल कीप द वेट ओवर देयर एंड देन व्हाट विल वी डू, हमें फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू मेजर आलू के कितना पोटैटोज है, ठीक है, विल कीप 1 potato, विल कीप अनदर पोटैटो, विल कीप अनदर पोटैटो, ऐसा विल कीप ऑल द, हमें जितना पोटैटो लेना है हम यहाँ पे सारा रख देंगे. फॉर एग्जाम्पल इतने सारे यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं, इफ वी कीप 1 kg ओवर हियर और पोटैटोज भी 1 kg के है तो क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे. अगर पोटैटोज ज्यादा है देन पोटैटोज विल गो डाउन एंड द वेट विल कम अप. अगर वेट ज्यादा है तो वेट विल गो डाउन एंड पोटैटोज विल कम अप. होगा क्या, नहीं होगा ऐसे, दिस इज व्हाट विल हैपन, राइट. जो साइड ज्यादा मास होगा दैट साइड विल कम डाउन. यस और नो? यस सर. यो 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 सर, यू कट योर हेयर एंड योर बियर्ड? यस, आई गॉट अ हेयर कट. इज इट लुकिंग फाइन? ठीक लग रहा है कि यार पहले वाला अच्छा था? कौन सा वाला अच्छा था बता दो मुझे. इतने ज्यादा स्पैम कैसा करते हो यार तुम लोग कमेंट्स में. अभी मुझे किसी के कमेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, देखो इतना सारा है ना, यो सर यो सर यो 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 है, फिर बोला है सर आई एम हर्षा गोस्वामी, हर्षा 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 सर इज देयर मेंटी 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 मेंटी. इतना स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, सेम ही मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है. इतना स्पैम मत किया करो यार, एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज, उससे ज्यादा मैसेज मत करो, ठीक है. ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, ठीक है ना. चलो तो ऐसे हम मेजर करते हैं कोई भी दो अलग अलग मासेस को. एक नोन मास ले लेंगे, क्या है ना, एक वेट ले लेंगे जिसका मास ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है. जैसा कि यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट है, ऐसा आप दुकान पे जाओगे, इफ यू गो टू अ शॉप दे विल हैव दीज यू नो मासेस विद देम रेडी, व्हिच मास ऑफ व्हिच इज ऑलरेडी नोन, इट हैज अ मास व्हिच इज ऑलरेडी नोन, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसका मास इतना है. देन वी जस्ट मेजर इट, बैलेंस करके देख लेंगे यार कब बैलेंस होता है, देन इट मींस ओके इन दोनों का अभी मास बराबर हो गया है, ठीक है. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बीम बैलेंस और अ फिजिकल बैलेंस. यार ये सारे फोटोज फिजिकल बैलेंस के, ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंस हियर इज बोथ द आर्म्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ. ये वाला जो आर्म है, दिस आर्म राइट वाला आर्म और जो लेफ्ट साइड वाला आर्म है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, बोथ ऑफ द आर्म शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ना राइट साइड का थोड़ा बड़ा है, लेफ्ट साइड का थोड़ा छोटा है. आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपका एक हाथ इतना लंबा हो गया, एक हाथ इतना छोटा सा रह गया, एक हाथ इतना ऊपर, एक हाथ इतना, अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू बैलेंस थिंग्स हियर आउट. इसका नाम ही बैलेंस है. So both the right arm and the left arm should be of equal length. बिल्कुल बराबर लेंथ होनी चाहिए दोनों की, इतनी सी भी ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए. And not just the arms, उनसे जो arm से जो pan लटक रहा है ना, the pan which is hanging, this pan should be of equal mass. जो pan का भी mass होगा, ऐसा तो नहीं है कि pan is massless, pan is made up of energy, ऐसा तो नहीं है. Pan is also made up of some metal. चाहे ब्रास का बना होगा, आयरन का बना होगा, किसी ना किसी चीज का तो बना ही होगा. सो द पैन मस्ट ऑल्सो हैव इक्वल मास, ठीक है. सर वॉइस बहुत कम हो गया है. वॉइस वॉइस यार, ये वॉइस का प्रॉब्लम, आई विल हैव टू सॉर्ट इट आउट समहाउ.
ओके तो आई थिंक वॉइस प्रॉब्लम इज सॉर्टेड नाउ. अभी ऊंचा आ रहा है, सुनाई तो दे रहा है सबको. तो व्हाट हैपेंस इज बोथ द आर्म शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड बोथ द पैंट्स, ये जो मेरे सर के ऊपर यहाँ पे पैन है ना, एक पैन यहाँ पे एक पैन यहाँ पे, इन दोनों का मास भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है, ऐसा नहीं चलेगा. वाई वाई विल इट नॉट वर्क? बिकॉज हमें मेजर करना है, मेजरमेंट पे एवरीथिंग शुड बी इक्वल परफेक्ट, देन ओनली वी आर गोइंग टू एबल टू गेट अ प्रॉपर मेजर ऑफ थिंग्स. हेलो विश्वजीत, हाय हाय, हेलो हाउ आर यू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ विल वी नो कि द पैन इज बैलेंस्ड, के ये पैन बैलेंस्ड है, ये पैन टेढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, इसके दोनों जो पैंस है ये दोनों पैंस का वॉल्यूम इज गोइंग टू बी प्रॉपर. हाउ विल वी नो दैट कि ये जो बैलेंस है हमारा फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस, हाउ विल वी नो? उसका पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन द पैंस इट शुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा भी ऐसा क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस, इट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल, उसका जो बीम है इट शुड बी लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल इफ आई परफेक्टली बैलेंस माई पेन, ये पेन को मैं अगर परफेक्टली बैलेंस करूंगा, let me see if I can balance it. Yeah. Then you can see that it is perfectly horizontal. ठीक है, ये perfectly horizontal है. अगर ये balance नहीं है तो ये ऐसा इस साइड ऐसे हो जाएगा, या इस साइड होगा तो इस साइड मुड़ जाएगा, है क्या नहीं? तो इट शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. साक्षम नेगी, आपका नाम ले लिया है, आई हैव टेकन योर नेम. सर बहुत लोग पैन के नीचे मैग्नेट लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट्स को वेट करते हैं, तो वो क्यों? बिकॉज दे आर चीटिंग, दे डू द चीटिंग लाइक दैट. अगर एक पैन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल द पैन ऑन द राइट, ये वाला जो पैन है इसके नीचे आपने एक वेट लगा दिया, ठीक है, वॉट विल हैपन? यहाँ पे आप कम आलू डालोगे और यहाँ तो भी क्या लगेगा, दिस पैन विल बिकम हैवियर, क्योंकि पैन इटसेल्फ हैज गॉन हैवियर नाउ. तो नीचे मैग्नेट लगा देंगे तो क्या हो गया, पैन वजन हो गया, तो आपको वहां पे मेजरमेंट में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है? सो सम पीपल चीट लाइक दैट, बट वी आर नॉट लुकिंग एट चीटिंग राइट नाउ. एंड देयर विल बी अ स्केल ओवर हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काटा होगा, देयर विल बी अ स्केल ओवर हियर यूजिंग विच वी कैन सी के इज द बैलेंस प्रॉपरली बैलेंस्ड और नॉट. यहाँ पे जीरो मार्क होगा तो इट शुड बी स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट है मीन्स इट्स प्रॉपरली बैलेंस्ड, फाइन. Sorry. Let me drink some water. राजू चौधरी, यस बेटा, यप, गॉट इट. ये सबको समझ में आया ना? जिस जिसको समझ में आया बोलो ला 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 ला. यू नो व्हाट, आई विल पुट सम इको, आज मैं ला 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 करते टाइम पे इको डालूंगा. ला 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 ला. ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ये सबको क्लियर है कि बीम बैलेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीम बैलेंस? दोनों आर्म इक्वल होना चाहिए, दोनों पैंस का मास इक्वल होना चाहिए, एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द पैंस, पैंस के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, द बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना? ये जो बीम है, फाइनली आई विल इरेज द प्रीवियस थिंग्स, दिस बीम This should be horizontal. Horizontal means it should be like this, not like this. Vertical ऐसे नहीं. और यहाँ पे जो scale होगा ना इसका, there would be a rod pointer over here. यहाँ पे pointer होगा. That should be vertical. ठीक है ना? Absolutely. तो समझ में आ गया? La la la. काफी लोगों ने la 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 बोला है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Very well. Nice. So please give me your mobile number. I should ask questions when you are free. You can ask questions to me on the Unacademy app. And Unacademy app पे आप मुझे message कर सकते हो. You know what? I will just show you my details of the Unacademy app. यहाँ पे yes. See, you can connect with me over here. यहाँ पे मैंने लिख दिया है unacademy.com/mac1. ये लिखने से आपको मेरा profile मिल जाएगा Unacademy के website पे. वहां से या फिर आप ऐप पे भी कनेक्ट कर सकते हो मुझे. यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू कैन सेंड मी मैसेजेस ओवर देयर, एंड आई कैन टॉक टू यू. अगर कोई डाउट आया
If I have time, I can clear it. But generally, you should doubt clearing. I do live classes में ही. ठीक है ना? Okay. What is the principle of beam balance? तो principle like working principle क्या है? किस चीज पे काम कर रहा है beam balance? ठीक है? Okay. Rikshit Tiwari is new. Hello, hi. Divya and Shubham, hi. Hello. ठीक है. So, what do you mean by principle of beam balance? Beam balance का principle मतलब the working principle. किस basis पे ये काम कर रहा है? Basically, what it says is that two bodies of equal mass or same mass. अगर दो body का mass equal है, if there are two bodies whose mass is same or the mass is equal of the two bodies, they would secure a balance on the beam. ठीक है? तो ये balance जो beam होगी ना, ये beam बिल्कुल balance हो जाएगी if both the masses over there are balanced. Given that the arm length on the both sides is equal and the mass of the pan is also equal. तो ये क्या बोल रहा है? You remember, think of it like a law. ये एक law है, समझ लो आप लोग. क्या? What is it saying? What is this principle saying? It is saying that if the pan का mass is equal on both sides and the length of the arm is equal on both the sides, then two masses of two objects of equal masses will have the beam balanced properly, horizontally balanced हो जाएगा. ठीक है? Sir, is this only for class 7th? No, it's for any class. आप कोई भी class के लिए ये use कर सकते हो. Hi, 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 hello, hello. Edit Gaming, hi, you are back, welcome back. Next thing. I want you all to tell me the units of weight. Weight ka kya units hoga, mujhe batao aap log. What are the units of weight? Comment me, I am looking. Max sir, hi, Divansh, how are you? Divansh, Divansh, Divansh. Okay, some people are saying kg, some people are saying newton, कुछ लोग newton बोल रहे हैं, कुछ लोग kg बोल रहे हैं. बेटा kg is not correct answer. The correct answer is newton. The SI units of weights are newton. और इसको हम capital N से represent करते हैं. Newton is the unit of weight. Weight का unit newton है. Apart from this, we can also say that the units are kilogram. Force, kgf, not kilograms, kg नहीं, kgf, ठीक है ना? kgf, kilogram force और gram force, ठीक है? gram force या kilogram force is also accepted as units of weight, ठीक है ना? Okay, Afrin Wani, bye bye. Yes, very well, very well. चलो. काफी लोगों ने बोला है रिमेंबर इट्स नॉट केजी इट्स केजीएफ. ठीक है ना? केजी इज द यूनिट ऑफ मास, केजीएफ इज द यूनिट ऑफ वेट, बिकॉज वेट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास. चलो, तो बाय द वे आई विल टेल यू अबाउट माय प्लस कोर्स. मेरा प्लस कोर्स है विच यू ऑल कैन स्टार्ट अटेंडिंग सम टाइम वेरी सून. सो माय कोड फॉर द प्लस कोर्स इज MAC10. यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन माय प्लस कोर्सेस. प्लस कोर्सेस में क्या रहेगा? प्लस कोर्सेस में हम ईच चैप्टर को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, ढेर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे लोगों से बातें करेंगे और बहुत सारे क्विजेस भी करेंगे. ठीक है ना? सो यू कैन यूज माई कोड MAC10 एंड गेट अ 10% discount on an Academy Plus subscription for any class. So when will you take another live class? Very soon, बहुत जल्द मैं live class लूँगा an Academy के platform के ऊपर, be special class. ठीक है? Okay, great. So वेट का हमें यूनिट्स पता चल गया है, बट हाउ आर वी गोइंग टू मेजर वेट? मास हमने देखा कि विल यूज यू नो बीम बैलेंस रख के इधर थोड़ा पहले से मास जो पता है रख देंगे, यहाँ पे नया मास रखेंगे जो नहीं पता है, वो ऐसे 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 करके फाइनली बैलेंस हो जाएगा. तो पता चल जाएगा कि
कितना मास है बट हाउ आर वी गोइंग टू मेजर वेट आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू यूज हाउ आर वी गोइंग टू मेजर वेट वॉट डू यू थिंक ओके एडिट गेमिंग क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया था हाय सिमक्षिया हेलो कैसे हो ओके दिव्या शुभम ठीक है बट टेल मी हाउ आर वी गोइंग टू मेजर वेट वेट कैसे मेजर करेंगे बता दो मुझे कोई तो हाँ दिव्यांश आई एम जस्ट इग्नोरिंग प्रयास ठीक है प्रयास को हम सब मिलके इग्नोर कर रहे हैं अभी लाइक कोई बात तो कर नहीं रहा है प्रयास से बिकॉज वो कुछ भी कॉमेंट कर रहा है सो इट्स फाइन लाइक वी जस्ट इग्नोर सच पीपल ओके आदित्य झा इज सेइंग वी यूज अ स्प्रिंग बैलेंस दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको वी कॉल दिस अ स्प्रिंग बैलेंस एंड व्हाट डू वी यूज अ स्प्रिंग बैलेंस फॉर वी यूज अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर वेट वेट इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस एंड एसेंशियली स्प्रिंग बैलेंस क्या है स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट अ स्प्रिंग ये जो यहाँ पे एक मेटल का इंक्लोजर है ना ये जो बॉक्स की तरह लग रहा है इसके अंदर बेटा एक स्प्रिंग होगा अच्छा सा ठीक है देयर इज गोइंग टू बी अ स्प्रिंग ऑन दिस नथिंग एल्स देयर इज अ स्प्रिंग इनसाइड द स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली इतना बड़ा भी नहीं होगा स्प्रिंग पता है कितना होगा द स्प्रिंग विल बी ओनली दिस मच स्प्रिंग यहां ऊपर से आएगा इट विल बी अच्छे से कॉइल्ड एंड इट विल कम समवेयर अराउंड हियर एंड एज वी हैंग थिंग्स अराउंड इट इट विल बिकम लार्जर ठीक है ओके Yeah, mentee is there. There is a mentee. There is a mini mentee at the end of the lesson. अभी lesson हमारा खत्म होने ही वाला है. We'll have a mini mentee after that. Okay. चलो. तो spring balance को हम कैसे use करते हैं? How do we use a spring balance? Let us find out कि spring balance को use करके weight कैसा measure करते हैं? तो मैंने बोला कि spring balance क्या है? Spring balance is nothing but a spring inside a box. Spring balance क्या है? It's just a spring inside a box. तो यहाँ पे क्या होगा? There is a spring over here and let us forget about the spring for a moment. Imagine I have a rubber band. मेरे पास एक rubber band है. I have a white colored rubber band. You all can see this rubber band, right? आपको दिखाई दे रहा है rubber band ये? Yeah, so I can pull this rubber band. So if I add some weight, अगर मैं इसमें कुछ weight लगाता हूँ, तो क्या होगा? The rubber band will get pulled. थोड़ा pull होगा ना rubber band तो. So if I have this heavy iron bar, क्या होगा? The rubber band will get stretched. अगर और ज़्यादा weight रहेगा, it will stretch more. ठीक है? Weight कम रहेगा, mass कम रहेगा, तो ये stretch कम नहीं, mass है नहीं. Sorry, weight ज़्यादा रहेगा, तो ये stretch ज़्यादा होगा. वेट ऑब्जेक्ट का कम रहेगा तो ये स्ट्रेच कम होगा यस और नो ये तो हमने नोटिस किया है सबने हैव यू ऑल नोटिस दिस एवर ओके सिमिलरली इफ वी हैव अ स्प्रिंग अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है व्हाट हैपेंस इज अगर हम इसके नीचे ज्यादा वेट लटका देंगे तो ये काफी स्ट्रेच हो जाएगा ठीक है अगर ये पहले छोटू सा था अगर हमने इसके नीचे वेट लगा दिया तो ये लंबा बड़ा हो जाएगा इट विल गेट स्ट्रेस्ड व्हाट हैपेंस इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड ऑन द हुक यहाँ पे जो हुक है ना ये स्प्रिंग बैलेंस को देखो यहाँ पे क्या है व्हाट इज देयर देयर इज जस्ट अ स्प्रिंग इनसाइड इट और उसको एक पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे देयर इज अ पॉइंटर ओवर हियर यहाँ पे वेट लिखा होगा 0, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg ऐसा 5 kg लिखा होगा ठीक है 5 kg नहीं यार सॉरी किलोग्राम फोर्स kgf या फिर न्यूटन्स में लिखा होगा सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी सस्पेंड समथिंग इससे कोई चीज हम लटकाएंगे अगर सो द स्प्रिंग विल एक्सटेंड स्प्रिंग लंबा हो जाएगा जितना ज्यादा हम सामान इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग उतना लंबा होता जाएगा एंड द पॉइंटर विल मूव डाउन ये जो पॉइंटर है दिस पॉइंटर विल मूव डाउन पहले पॉइंटर कहाँ रहेगा जीरो पर रहेगा बिल्कुल क्योंकि कुछ वेट लटका हुआ नहीं है जैसे जैसे हम वेट लटकाते जाएंगे वो पॉइंटर नीचे आता जाएगा जस्ट लाइक हाउ अ रबर बैंड गेट स्ट्रेच्ड वैसे ही द स्प्रिंग विल गेट इलोंगेटेड और द स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन ये समझ में आया है सबको ओके
ओके ठीक है, आईडी मिश्रा का नाम लीडरबोर्ड पे आने के बाद में लेंगे. वेरी नाइस. Does an academy teach NCERT CBSE chapters of math subject? Yes, absolutely. यार एक टाइम एक काम करो, go to the channel, channel पे चले जाओ ये वीडियो खत्म होने के बाद में, and find out के क्या क्या वीडियोज है. There will be playlists of each chapter over there. ठीक है. So अगर ये समझ में आया है तो यार बोलो मुझे, ये चमका क्या नहीं चमका, स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे एक स्प्रिंग के ऊपर जितना मास ऐड कर रहे हैं, जितना वेट ऐड कर रहे हैं, उतना स्ट्रेच होता जा रहा है. ठीक है. इमेजिन देयर इज अ स्प्रिंग लाइक दिस, उसको हमने कुछ टाई कर दिया है. ठीक है. आई हैव टाइड अ मैग्नेट फॉर एग्जाम्पल. क्या होगा? ओके, आई कांट टाई इट अपेरेंटली. तो एक ऐसा रबर बैंड है. ठीक है. इमेजिन देयर इज अ रबर बैंड, और ये रबर बैंड को मैंने कुछ वेट लगा दिया, तो ये रबर बैंड स्ट्रेच होगा. होगा क्या नहीं होगा, ये नीचे आएगा ना, और अगर मैं हटा दूंगा वेट तो क्या होगा, इट विल गो बैक अप. यस और नो. इफ आई ऐड सम मास टू दिस रबर बैंड, इफ आई ऐड सम वेट टू दिस रबर बैंड, ये रबर बैंड नीचे आएगा. ठीक है. और अगर मैं वेट हटा दूंगा तो ये वापस ऊपर चला जाएगा. ये क्लियर है ना सबको? अभी ऐसे ही जस्ट लाइक दिस, इफ आई हैव अ स्प्रिंग ऑल्सो, स्प्रिंग भी ऐसे ही काम करेगा. उसको मैं नीचे कुछ वेट लगा दूंगा तो वो नीचे आएगा, वेट हटा दूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा. तो आप ऐसा करो, इसको एक पॉइंटर लगा दो यहां पे, कि यहां पे कुछ वेट नहीं है इसका मतलब जीरो, यहां पे कुछ वेट है इसका मतलब कितना वेट होगा, वहां पे पॉइंट करके लिख दो. यहां पे हम स्केल लगा देंगे इसके साइड में. ठीक है. वो स्केल पहले से मेजर करके रख लेंगे कि है ना, एक न्यूटन लगाने से कितना होगा, दो न्यूटन लगाने से कितना होगा, तीन न्यूटन लगाने से कितना नीचे आएगा स्प्रिंग. उस हिसाब से हम वहां पे एक स्केल बना के रख देंगे. ठीक है. और जैसे जैसे हम नीचे इसमें कुछ वेट ऐड करते जाएंगे, वो पॉइंटर भी है ना रबर बैंड के साथ नीचे आता जाएगा, या पॉइंटर भी स्प्रिंग के साथ नीचे आता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा. तो वो हम स्केल के ऊपर देख लेंगे कि यार इसका वेट कितना है. अभी क्लियर हुआ सबको ये? अभी चमका क्या नहीं चमका? ओके सर चमक गया, नंदिनी कमाल को चमक गया. वेरी नाइस. सर आर एस अग्रवाल क्लास 7 में सॉल्व करवाते हैं? आई डोंट नो. एनसीईआरटी टेक्सटबुक्स कराते हैं मुझे पता है, बट आप एक टाइम क्लास अटेंड करो, कौन सी चल रही है पता चल जाएगा. वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड ऑफ टेक्सटबुक एज वेल. सर इफ इट इज स्ट्रेच्ड सो इट कांट गो बैक, इट विल. देखो ये रबर बैंड है, मैंने इसको यहां तक इतना स्ट्रेच किया, नाउ इट विल गो बैक अगेन. हटा दूंगा मैं जब एक टाइम वेट हटा दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा वापस. ठीक है. उसका लिमिट होगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत खींचोगे तो टूट भी जाएगा. एक लिमिट होगी उसका, एक रेंज होगा. जैसे थर्मामीटर में रेंज होता है ना कि 37 डिग्री से लेके 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक, वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस में भी रेंज होगा एक. ठीक है. ओके सर चमक गया चमक गया चमक गया प्लीज. ओके ठीक है फाइन. वेरी वेल. स्प्रिंग बैलेंस के बारे में क्या है? स्प्रिंग बैलेंस का हम देख लेते हैं. स्प्रिंग बैलेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग इनक्लोज्ड इन अ मेटालिक केस. चेस नहीं यार, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, सॉरी. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्प्रिंग इन अ कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग इन अ मेटालिक बॉक्स. ठीक है. एक मेटालिक केस होगा, एक मेटालिक बॉक्स होगा जिसके अंदर एक स्प्रिंग है. That is how a spring balance is made. And the upper end of the spring is fixed at the top of the case. जो spring का जो top वाला part है ना, देखो अगर ये spring है, तो spring का जो top वाला part है बिल्कुल, ठीक है? The top part of the spring, it is fixed to the case. यहाँ पे अगर समझो अगर एक spring ऐसा है, ठीक है? First spring is like this, then this is attached on the top. ये बिल्कुल top में attached होगा, ठीक है? Fixed at the top of the case, while the lower end of the spring is attached to a pointer. और जो नीचे वाला end है ना spring का, you can see कि there is a pointer over here. यहाँ पे भी एक pointer लगा हुआ है lower end से. ठीक है. And not just the pointer, there will be a long rod with a hook. उसके नीचे एक rod रहेगी जिसको हमने hook लगाया हुआ है. There is a rod under this box के अंदर से, जिसको हमने finally एक यहाँ पे हुक लगा दिया है, सो दैट वी कैन हैंग थिंग्स. अगर हुक नहीं होगा तो हैंग कैसे करेंगे चीजों को? तो हैंग करने के लिए हमने वहां पे हुक भी लगा दिया. वी हैव एडेड अ हुक टू द स्प्रिंग एंड वी हैव एडेड अ पॉइंटर टू द स्प्रिंग. ठीक है. ओके
केस हैज अ स्लिट कट अलोंग इट्स लेंथ. ये पूरा यहाँ पे एक स्लिट दिखाई दे रहा है ना, इट्स लाइक अ होल. स्लिट मीन्स इट्स अ लॉन्ग होल सो दैट द पॉइंटर कैन कम आउट एंड वी कैन सी द पॉइंटर. अगर पॉइंटर को नहीं देखेंगे तो कैसा पता चलेगा कितना वेट है. सो फॉर द पॉइंटर टू कम आउट ऑफ द केस वी हैव अ स्लिट एंड ऑन द साइड्स वी हैव अ स्केल. यहाँ पे स्केल होगी. हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पे न्यूटन एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, दैट इज फॉर न्यूटन. कि कितने न्यूटन है वो हम वहां पे देख सकते हैं. सो द मेटल केस इज ग्रेजुएटेड एट द टॉप विद जीरो मार्क. इसके ऊपर यहाँ पे जीरो मार्क आ जाएगा. देखो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है. दिस इज द प्लेस वेयर जीरो इज रिटन. यहाँ पे जीरो जीरो है. एंड द वेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, ऐसे ऐसे 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 14 न्यूटन बढ़ते जाएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट्स लिखे होंगे. सो सबसे ऊपर जीरो होगा. जीरो के बाद में 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ऐसे ऐसे कर करके वो स्लोली द वेट्स विल इंक्रीज. फाइन. Harshil, I feel so sorry for you, beta. I understand your pain. I hope, feel well after this. And I hope your grandfather rests in peace. Why पूछ रहे हो Team Phoenix? Why what, beta? क्या चीज़ का why पूछ रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया ना. Ask me what exactly are you asking? सर चमक गया, बहुत अच्छे, ये सबको चमक गया है, very nice. सरिता कुमारी आपको भी चमक गया ना. तो क्या काम कर रहा है यार, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर. स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द मोर वेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग द मोर इट विल गेट स्ट्रेच्ड. जितना ज्यादा आप वेट एक स्प्रिंग पे डालोगे वो स्प्रिंग उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा. ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है स्प्रिंग बैलेंस का. द मोर वेट यू एड और द मोर फोर्स यू अप्लाई टू अ स्प्रिंग द मोर इट विल गेट स्ट्रेच्ड और द मोर इट विल गेट elongated. ये सबको क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो मेंटी स्टार्ट करेंगे. फाइन. चमका के नहीं चमका? चमका चमका चमका, मुझे बता दो. अगर ये चमक गया है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेंटी नाउ. ओके, काफी लोगों ने ला 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 बोल दिया है. सर हमारी गली में कोरोना आ गया है. अशोक अरोरा, स्टे सेफ, घर के बाहर मत निकलो. एनीवे यू शुड नॉट गो आउटसाइड. जिसको बहुत ज्यादा काम वही निकलेगा. सो यू हैव टू स्टे सेफ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस. बाहर का कुछ खाना भी मत अभी. ठीक है, एंड आई होप यू डू वेल. ओके, सो लेट अस हैव द मेंटी नाउ. मेंटी अभी स्टार्ट करते हैं. और बाय द वे आप लोग को मेरे कोर्स के बारे में तो पता है ही. सो आई विल पुट अप द मेंटी नाउ. यस, और द मेंटी कोड इज 804551. ठीक है, 804551 इज द मेंटी कोड. एंड वी हैव टू फाइंड आउट हु इज गोइंग टू विन द मेंटी. मेंटी कौन जीतेगा हमें ये पता करना है. और मेंटी का कोड क्या है? मेंटी कोड इज 804551. कूल, सो जल्दी से ज्वाइन करो. कौन कौन है यार, ज्वाइन करो. I'm waiting for you all. मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का सबका. जैसे ही आप लोग आ जाएंगे I'm going to start the mentee very soon. और by the way mentee में और भी लोगों को बुलाओ थोड़ा सा. और दूसरे लोग तो कोई आए ही नहीं है mentee में आज. तो whoever is there just call them in the mentee. मिनी mentee है जो जल्दी खत्म हो जाएगा. ये वाला mentee बहुत छोटू सा mentee है. ठीक है, सो जल्दी ज्वाइन करो so that we can end the mentee जल्दी as well. Fine. कौन है, कौन आया है अब तक? लोग ज्वाइन हो रहे हैं स्लोली स्लोली. पीपल आर ज्वाइनिंग वेरी वेल. बहुत अच्छे. सर इट्स नॉट ओपनड. इट इज ओपनड. आई कैन सी यू ऑल. मैं सारे लोगों को देख सकता हूँ. ठीक है, चलो मैंने ओपन भी कर दिया. अभी यहाँ पे देखते हैं किस किस का आइकॉन आता है. सो वी हैव एलियन, वी हैव स्वैग वाला सिंबल, वी हैव रोज, वी हैव वुल्फ, वी हैव वॉल्केनो, कैटरपिलर है, एस है. We have a ghost as well. No, we don't have a ghost. We have a banana. We have a snowflake.
सर हाउ टू ज्वाइन मेंटी, यू हैव टू गो टू www.menti.com. कहाँ जाना है आपको? menti.com पे जाना है. आई कैन शो यू हाउ टू डू दिस एक्चुअली. ठीक है, तो सबसे पहले menti.com पे जाना है. ठीक है ना, वेट, आई शो यू हाउ टू ज्वाइन द menti. ओके, फॉर ज्वाइनिंग द मेंटी, जितने भी लोगों को मेंटी ज्वाइन करना है, जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप menti.com. ठीक है, menti.com टाइप करो तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा menti.com. जस्ट क्लिक, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड Mentimeter एंड दे आर आस्किंग प्लीज एंटर द कोड. कोड डाल दो यहाँ पे, ऐसा बोल रहा है वेबसाइट. क्या करना है आपको? कोड लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यू कैन सी द कोड ओवर हियर. यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कोड आपको. So the code is over there. The code is 804551. ठीक है, इतना ही है code. So you click on submit and you will be connected to my mentee. यहाँ पे पहले नाम पूछ लेगा, so I will write my name as Mac. तो आपका जो भी नाम है, you click on that and get ready to play. तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितने questions है, answer fast, ये सारी. जैसे जैसे questions आते जाएंगे, options भी आएंगे, you have to do it. So now let us go to the thing. ठीक है, cool. A lot of you have already joined. काफी लोग यहाँ पे आ गए हैं. So I am going to start the mentee now. Mentee start करूँ मैं? चलो, so I am starting the mentee. 3, 2, 1 and start. The question is there on the screen. Screen पे question दिखाई दे रहा है. Nice. So what kind of balance do we use for measuring mass? कौन से kind का, कौन से type का balance हम use करते हैं mass measure करने के लिए? This is a fill in the blanks. आज के उसमें सारे fill in the blanks questions है except one I think. So जल्दी से मुझे type करके बताओ कि which is the balance that we use for measuring mass? And you know what? अभी time आ गया, I think I can you know grow up थोड़ा. मैं बड़ा हो सकता हूँ अभी. ठीक है. So tadaat. ओके, अभी बड़ा हो गया. आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा सा छोटा कर दो मुझे कंप्यूटर जी. यस फाइन. और टाइम भी अभी खत्म हो रहा है. 3, 2, 1 एंड द टाइम हैज एंडेड. द करेक्ट आंसर इज बीम बैलेंस. मास मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बीम बैलेंस. ठीक है, मैंने बैलेंस पूछा है तो वेइंग मशीन को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा. अगर आप कोई दूसरा बैलेंस लिखोगे तो दैट आई विल काउंट. स्प्रिंग बैलेंस इज रॉन्ग, स्प्रिंग इज रॉन्ग, वेइंग मशीन इज रॉन्ग, स्केल इज रॉन्ग, मास वेटर. क्या सही नाम है? 2000 पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड. जिसने भी मास वाइटर लिखा है, वेटर भी नहीं लिखा है सही से. सो आई डोंट नो क्या चीज है, बट स्टार ट्रैक में डेफिनेटली मास वाइटर करके हम कुछ बना सकते हैं. ठीक है, सोनू KGF न्यूटन, KG न्यूटन, किलोग्राम. नहीं नहीं, गलत 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 सर. प्लीज राइट माई आंसर सर. प्लीज आई एम अ बिग फैन ऑफ यू स्वीट सर. आई एम बिग फैन, प्लीज करेक्ट. यार इतना बोलोगे तो मुझे रोना आ जाएगा, बट मैं सही आंसर नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, सही आंसर आई कैन गिव ओनली व्हेन यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. ठीक है, नथिंग हर्ड. स्प्रिंग बैलेंस, बैलेंस टू वेट, केजी, केजीएफ, मनीष, सारे गलत आंसर है. ओनली करेक्ट आंसर इज बीम बैलेंस. अगर आप फिजिकल बैलेंस लिखते तो मैं आपको बिल्कुल आंसर दे देता, लेकिन द करेक्ट आंसर इज बीम बैलेंस. ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट द काइंड ऑफ बैलेंस, वेइंग मशीन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं. ठीक है, कूल. सो लेट अस हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड पे क्या बोला है. सो ऑन द टॉप वी हैव आकांक्षा फिजिक्स क्वीन. वाओ, आकांक्षा फिजिक्स क्वीन इज ऑन द टॉप. सेकंड वी हैव आदित्य झा, देन वी हैव दिशिता. फोर्थ पोजीशन पे वी हैव आई विल विन, देन वी हैव आदित्य आर्या. थैंक्स सर फॉर आईसीएसई, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम. शेंजा, साजन, साजन अरोरा, नीरज थारोट एंड यशी. हेलो एवरीवन, हाय 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 हाय. Let us move on very quickly to the next question. अगले question पे हम जाते हैं. Hi Dishita. तो second question के लिए आप लोग ready हो सब? Okay. So the second question is, what kind of balance do we use for measuring weight? Weight measure करने के लिए कौन सा balance use होता है भाई? ठीक है, balance हमने
बीम बैलेंस यूज किया है मास मेजर करने के लिए, बट फॉर मेजरिंग वेट व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस डू वी यूज? समवन इज सेइंग बीमा स्केल. नहीं यार, बीमा स्केल क्या होता है ये? ओके, जोशना साहू इज बाय द वे द रग्बी बॉल. ओके ठीक है. हाय स्विक, हेलो. जल्दी से, वैसे बाय द वे मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का ताकि आप लोग जल्दी से टाइप करो तो मुझे पता भी चले कि कितने लोगों को आंसर सही से पता है कितने लोगों को नहीं पता है. तो टाइम हो रहा है यहाँ पे समाप्त, 3-2-1 और टाइम हो गया आपका खत्म. टाइम इज अप एंड लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर है. स्प्रिंग बैलेंस हम यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए. ठीक है, व्हाट डू वी यूज फॉर मेजरिंग वेट? वी यूज अ स्प्रिंग बैलेंस, नॉट किलोग्राम्स, नॉट अ बीम बैलेंस, नॉट अ वेट मशीन, नॉट अ बैलेंस ऐसा वैसा. केजी, मैं यूनिट्स नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द यूनिट्स, आई एम आस्किंग फॉर द इंस्ट्रूमेंट. व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस डू वी यूज? तो काफी लोगों ने यहाँ पे दिया है किलोग्राम, ग्राम, स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस को मैं दे रहा हूँ. ओल्ड फैशन पैन बैलेंस समटाइम्स कॉल्ड स्केल्स दैट वॉज ट्रू फॉर वेट. That was not true for weight. That is true for mass. ये mass measure करते हैं. Weight balancer. आहा हा हा. Sir, please अब रो दीजिए sir. Please write कर दीजिए. अरे कैसे करूँ यार मैं write? आप सही answer करो ना, मैं तो कर दूंगा. Spring balance. ठीक है, spring balance को marks दे रहा हूँ मैं. Weight balance नहीं, किलोग्राम नहीं. यार आप सही answer दिया करो यार. आप सही answer दो, definitely I will give you marks. न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, नहीं नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस ही करेक्ट आंसर है. सो ऑन द टॉप वी हैव, हु डू वी हैव ऑन द टॉप दिस टाइम? कौन है टॉप पे हमारे पास दिस टाइम? वी हैव आकांक्षा, फिजिक्स क्वीन, अगेन एट द टॉप. वेल डन आकांक्षा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. ठीक है, सेकेंड वी हैव आदित्य झा, देन वी हैव दिशिता एट द थर्ड प्लेस. फोर्थ प्लेस पे है आदित्य आर्या, देन फिफ्थ प्लेस पे आई विल विन वॉल्केनो. ठीक है, देन वी हैव शेंजा, किट्टू, हेलो किट्टू, एंड वेर इज बिट्टू, बिट्टू कहाँ है? देन वी हैव अभिप्सा डैश याशी एंड नीरजा. हाय नीरजा, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन द लीडर बोर्ड. सर मैंने मेंटी ज्वाइन नहीं किया, वेर आर ऑप्शंस? मेंटी ज्वाइन कर लो तो मिलेंगे ना ऑप्शंस, ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आएंगे. द ऑप्शंस विल कम ओनली व्हेन देयर इज अ मेंटी. यो 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 2222222 पता नहीं कौन सी भाषा है, मुझे नहीं आती है. ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा वाला सवाल देखते हैं. आर यू गाइस रेडी फॉर द तीसरा क्वेश्चन? चलो 3-2-1 and the question is there on the screen right now. The more the weight is attached to the spring, the more it gets. What happens? क्या होगा ये? जितना ज्यादा हम वेट अटैच करेंगे स्प्रिंग को, उतना ज्यादा स्प्रिंग क्या होगा? What will happen to the spring that much? सर बाय टुमारो आई विल ज्वाइन मेंटी. ठीक है सताक्षी मिश्रा, कल ज्वाइन कर लेना. ठीक है, मेंटी कैसे ज्वाइन करना मैंने स्टार्टिंग में बोला है, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड दिखाई दे रहा है. दिस इज हाउ यू ज्वाइन द मेंटी. गो टू www.menti.com एंड यूज द कोड 804551. ठीक है सर, प्लीज डू मोशन एंड एनर्जी. ठीक है, मेजरमेंट के बाद में मोशन एंड एनर्जी करेंगे. फाइन, ओके. So the time is about to end. 3-2-1 and the time is up. Let us see कितने लोगों ने सही आंसर किया है. The more the weight is attached to the spring, the more it gets stretched. Yes, stretched या elongated correct answer है. So stretched is correct, heavy is wrong. Down नहीं, the more it gets down. ठीक है, ठीक है, I'll give you marks. Weight नहीं, गलत है. स्ट्रेस्ड, स्पेलिंग रॉन्ग है, बट ठीक है, आई विल गिव यू द आंसर मार्क्स. लोवर्ड, ठीक है, फाइन.
बुद्धि लगा रहे हो तुम लोग, सही है। स्प्रिंग वेट नहीं, सर प्लीज करेक्ट माय आंसर, क्राई 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 क्राई, नहीं आप सही आंसर लिखो तभी मैं सही कर सकता हूं, or else I can't do it, ठीक है। एक्सटेंडेड एब्सोल्युटली करेक्ट, स्प्रिंग वाटर नहीं, एक्सटेंडेड पुल डाउन बाय द वेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, इसको 2000 पॉइंट मेरी तरफ से, क्या सही आंसर लिखा है, कितना है? अच्छा एक्सप्लेन किया। अनवाउंडेड, ओके अनवाउंडेड आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन यूज अनवाउंडेड और नॉट, नॉट श्योर। न्यूटन, इट पुल्स डाउन, ठीक है इट विल पुल डाउन। सर मेरे मामा ये कह रहे थे कि राइट कर आंसर सर प्लीज कर दीजिए ना, अरे ऐसे नहीं, सही आंसर तो मैं डेफिनेटली राइट कर दूंगा। बीम इंक्रीज वेट, वेक्स ट्रेंड वेट, इट कम्स डाउन इट विल गो डाउन, ठीक है। स्ट्रेच इट विल स्ट्रेच, केजी स्टिच्ड, साक्षम नेगी लॉन्ग एंड मोर प्रेशर, ठीक है इट विल गेट लॉन्ग, प्रेशर का मुझे नहीं पता, इट विल स्ट्रेच, ठीक है। पैन, पैन कहां से आ गया, टिल्टेड नहीं, ये हम स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइन। एंड अनवांटेड, यस अनवांटेड इज राइट, क्योंकि स्प्रिंग जो वाउंड होता है इट विल स्टार्ट अनवांटिंग, ठीक है फाइन, आई विल गिव यू मार्क्स फॉर दैट। चलो सो लेट अस सी द लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड देखते हैं अभी, लीडर बोर्ड का क्या सिनेरियो है बताओ, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। आदित्य जैन आई विल विन ने गलत आंसर दिया है, वाओ। सो ऑन द टॉप वी हैव दिशिता दिस टाइम, वेल डन दिशिता, बहुत अच्छे। सेकंड वी हैव आदित्य आर्या, थर्ड वी हैव आकांक्षा फिजिक्स क्वीन, सो दिशिता आदित्य आर्या एंड आकांक्षा, वेल डन टॉप थ्री पोजीशंस पे आने के लिए। देन वी हैव शेंजा एट द फोर्थ पोजीशन, एंड बाय द वे शेंजा इज लीडिंग बाय एवरीवन एल्स, उसके बाद में जो भी आ रहा है बहुत डिफरेंस है, सो वेल डन शेंजा, तो टॉप फोर हो जाएंगे आज तो। उसके बाद है यशी मोहम्मद सर्स बिगेस्ट फैन, थैंक यू यशी। देन वी हैव अभिप्सा दास, आदित्य झा, नीरजा गायके, वॉल्केनो एंड जयवाल मेहता, सो वेलकम टू द लीडर बोर्ड, जो जो भी लोग नए आए हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टेइंग ऑन द लीडर बोर्ड। फाइनल क्वेश्चन, आर यू गाइज रेडी? क्या ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा मेंटी पति, ठीक है। When a beam balance is balanced, the beam is horizontal or vertical, ठीक है। जब बैलेंस हो जाएगा, beam balance एक टाइम बैलेंस हो गया, when both the masses are equal on a beam balance, the beam is horizontal or the beam is vertical. Choose the correct answer, horizontal होगा कि vertical होगा, जल्दी से choose करो। Hi sir, hello Vanshika Bajpai, how are you? Let us see. Hello Jaiwal, how are you? 3, 2, 1 and the time is up and the correct answer is horizontal. Absolutely correct. Bilkul sahi bola hai aapne. The beam when it is balanced, the beam would be horizontal. Aise ho jayegi. Aise thodi na hogi. To bilkul absolutely unbalanced hogi. Tabhi bhi shayad nahi hogi vertical pure. So the beam when it is balanced will be horizontal. So let us have a look at the leaderboard. Leaderboard pe abhi kaun hai top pe? Who is at the top at this time? Okay. Nice. So Dishita was the fastest this time and Dishita came on the top as well. Well done Dishita. First, second we have Akanksha. Then we have Shenza at the third position. Fourth position pe we have Aditya Arya. Then we have fifth position pe आदित्य झा, अभिप्सा डैश, आई विल विन, वॉल्केनो, जयवाल मेहता, गंगा नागौर एंड कार्तिक। नाउ फाइनली गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरीश संधिलिया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हु विल विन, मेंटी कौन जीतेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कंप्यूटर जी जल्दी से हमें आंसर बताइए कि आज कौन जीता है, हु हैज वॉन टूडे, जल्दी बताइए कंप्यूटर जी, आई वॉन्ट टू नो दिस फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। Okay, well done, nice. So we have Dishita as the winner for today. Dishita, well done. Aaj ke topper hai Dishita, and Dishita got 3,798 points. Like I will say, she got 4,000 points almost. Sirf 2 points kam aaye hai. Okay, not 2 points. 202 points kam aaye hai. But she did extremely well. Then we have Akanksha, physics queen, at the second position. थर्ड पोजीशन पे वी हैव शेंजा, ठीक है चलो, शेंजा इज एट द थर्ड पोजीशन, एंड द फोर्थ पोजीशन इज बाय आदित्य आर्या,
ठीक है. सो द टॉप थ्री पीपल फॉर द क्विज टुडे, मेंटी विनर्स फॉर टॉप थ्री पोजीशंस टुडे आर Dishita, Akanksha and Shenza. After that we have Aditya Arya, then Aditya Jha, uske baad mein it is Abhipsha Dash, Volcano I Will Win, Jaiwal Mehta, Ganga Nagur and Kartik. So well done, jo jo bhi leaderboard pe aaye hain, bahut bahut badhai ho. Very nice seeing you all over here and I hope you liked the lesson for today. Agar aapko acha laga hai to go and hit the like button, jaake jo like button hai channel ka wo click karo aur subscribe to an Unacademy. Go and hit the like button and subscribe to An Academy. So see you all. Hey, Menti computer ji, Menti chala jao. Menti ko hata do computer ji. Dishita, bye bye. Dishita, bye bye. Okay, Dishita is gone now. So now you all, what do you have to do? You have to subscribe. You have to hit the bell icon and like and share this video. Agar aapko aaj ka Menti acha laga ya aapko hai na aaj ka class achhi lagi. So, zarur bataiyega comment karke mujhe. And that's all from my side. See you all in the next class. Bye bye and have a nice day. 14th place. Kavita Goswami ko 14th place aaya. No problem, Kavita. Koi baat nahi. And Shyam Tekti wale ko mila hai 11th place. Well done. ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो जिन लोगों ने भी क्विज अटेंड किया है, जो जिनका नाम लीडर बोर्ड पे आया है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड. एंड दोस पीपल हु गेव द करेक्ट आंसर, आंसर तो करेक्ट दिया है लेकिन उनका नाम लीडर बोर्ड पे नहीं आया, नो प्रॉब्लम, स्टिल ह्यूज रेस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड एंड वेल डन टू यू ऑल. ठीक है, बहुत अच्छे. Chalo, so see you all and bye-bye. Bye everyone, have a nice day ahead. And remember, if you are going to get the plus subscription for An Academy, you can always use my code. My code is MAC10 and you will get a 10% off if you use this for plus course. And in my plus course, I'm going to break down each chapter into smaller parts so that you understand them well. We will have a doubt solving session after every two or three lessons so that you can discuss whatever doubts you have with me and there will be a lot of quizzes. So that's all from my side. Bye everyone. Bye-bye my champions. Have a good day ahead. See you in next class.